बता दें कि ज्यादा ब्याज के लालच में निवेशक इन फौजी कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं। शुरू में तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन कंपनी के पास जब करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर कंपनी फरार हो जाती है। ऐसा ही एक मामला अयोध्या जनपद में देखने को मिला। बीन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर 1,07,30,000 रुपए से अधिक लेकर फरार होने का आरोप लगाते हुए दर्जन भर से अधिक लोगों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से लेकर SP तक शिकायत की है। निवेशकों का आरोप है कि कंपनी ने पहले लुभावने सपने दिखाकर पैसा जमा करवाया और फिर बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने के बाद रुपए देकर कंपनी फरार हो गई। निवेशकों का तो यह तक आरोप है कि पैसा न मिलने की दशा में एक निवेशक की सदमे से मौत भी हो चुकी है। अयोध्या जनपद के थाना खंडाशा और थाना कुमारगंज क्षेत्र में लगभग दर्जन भर कंपनियां करोड़ों रुपए लेकर फरार हो चुकी हैं, जिनका मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन अभी भी कोई ऐसी फौजी कंपनियां जनपद में धड़ल्ले से चल रही हैं जो निवेशकों के चूना लगाने की फिराक में है। हालांकि शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिर भोले भाले लोगों को ठगने वाली ऐसी कंपनियों पर रोक कब लगेगी। मैंने मेरा हो गया 8,03,000, घर का भी 5,00,000 लगा दिया, तो सर जब सब सारे लोगों ने देखा कि पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं तो हमारे सारे मित्रों ने पैसा लगाना शुरू किया। सारे मित्रों ने पैसा लगाते लगाते सर 478 कोड हो गए। अब 478 कोड पर सर 1,07,30,000 रुपये जमा हो गए कंपनी में। लेकिन सर क्या हुआ कि 30 सितंबर से लेकर के और 24 मई तक लोगों के खाते में प्रॉपर 2.5% पर वीक, 2.5% पर वीक यानी 10% मंथली ब्याज और मूलधन दोनों मिला के ये आता रहा सर। तो लोग उत्साहित होते रहे और बढ़ता रहा। बस अचानक जो है 24 मई को इन्होंने बंद कर दिया। तो हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की आखिर हुआ ऐसा क्यों। तो इन्होंने कहा कि मेरा अपडेशन पे चला गया है, मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। लेकिन सर चोरी कब तक छुपती, ये बाद में पता लगा कि इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, टैक्स चोरी में इनके खाते पर इनके खाते को सरकार ने फ्रीज कर दिया। सर मेरे को चक्कर आ रहे हैं चूँकि मैं सर बीमार आदमी हूँ, मैंने कई बार बहुत सारी लायबिलिटीज हैं सर मेरे ऊपर, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। मैं जब जब वहाँ पे गया मैंने रो के इनके गिड़गिड़ा के अपनी टीम के लिए, अपने फेस वैल्यू के लिए, अपने इज्जत सम्मान मान मर्यादा के लिए सर कि आप मेरा भी पैसा मत दो, मेरे लोगों को पैसा दे दो, आपसे रिक्वेस्ट है। तो उसने कहा कि आइंदा से यहाँ दिखाई मत पड़ना, और हम लोगों को धक्के मार के निकाल दिया। आज की डेट में सर उनके पास 10-10 कमांडो चलते हैं, 10 लोग, हम लोग बात नहीं कर पाते। तो इन्होंने आनन फानन में फर्जी चेक अपने कथित चाचा और राजकुमार शर्मा जिसके नाम CMD साहब हैं, उनके नाम जो है कंपनी जो खोल रखी है, उनके नाम हम लोगों को सर फर्जी चेक दे दिया। 7 लोग गए थे, 7 लोगों को चेक दे दिया। एक चेक 3 महीने का था, 2.5 लाख का, वंदना तिवारी के नाम से। वो चेक सर 2-3 बार बाउंस हुआ। हमने फिर कहा कि सर आपका चेक बाउंस हो रहा है, तो वो भी उस बार भी लड़ने झगड़ने को राजी हो गए। उसका सारा ऑडियो वीडियो सर मेरे पास है। बिन डिस्ट्रीब्यूट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हमारा 12 लाख है, 3.5 लाख हमारे भाई का है, 2 लाख हमारा है, 5 लाख हमारी औरत का है और 2 लाख हमारी माँ का है। इतना पैसा हम लगा है और हमारी टीम से 57,30,000 रुपये लगा है इस कंपनी में। अच्छा, कंपनी ने क्या वादा किया था पैसा लेते समय आप लोग से? कंपनी ने यही वादा किया था कि हम 2.5% आपको देते रहेंगे हर वीक, और 20 महीने में आपका पूरा पैसा दूना हो जाएगा, और हर हफ्ते पैसा आ रहा था। अच्छा, पैसा जब नहीं मिला तो आप लोग ने कहाँ किसी से शिकायत की? हमारे मित्र हैं महेश दुबे जी, उन्होंने शिकायत की और उनसे भी जो हो सका उनसे बातचीत हुई है वहाँ पे, तो उन्होंने उनको चेक वेक दिया है और हमको भी चेक दिए हैं, और उनमें से एक चेक दिए थे जो महेश जी को 2.5 लाख का था, 2.5 महीने के लिए, तो 3 महीने बाद, हाँ 3 महीने के लिए दिए थे, और जब 3 महीना बीता तो उन्होंने चेक लगाया, वो चेक बाउंस हो गया है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। देखिए, अयोध्या जनपद में इसके पहले भी कुमारगंज खंडासा क्षेत्र के अंदर में जो इस तरह की जो कंपनियां हैं जो गरीब लोगों को
धोखाधड़ी करके और उनका पैसा जो है वो करोड़ों का घोटाला करके यहाँ से चली गई थी। उनके ऊपर सबके ऊपर हमने FIR दर्ज की है और अभी एक लेटेस्ट प्रकरण सामने आया है जो खंडासा में एक कंपनी थी और इसके खिलाफ में तहरीर कई लोगों ने दी है और उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब इसके आगे जो विधिक कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं।